हरि शरणम गच्छामि। तीसरा अध्याय, भगवान के अवतारों का वर्णन। श्री सूत जी कहते हैं, सृष्टि के आदि में भगवान ने लोकों के निर्माण की इच्छा की। इच्छा होते ही उन्होंने महत्व आदि से निष्पन्न पुरुष रूप ग्रहण किया। उसमें 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 भूत, ये 16 कलाएं थी। उन्होंने कारण जल में शयन करते हुए जब योगी निद्रा का विस्तार किया, तब उनके नाभि सरोवर में से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल के प्रजापतियों के अधिपति ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। भगवान के उस विराट रूप के अंग प्रत्यंग में ही समस्त लोकों की कल्पना की गई है। वह भगवान का विशुद्ध सत्वमय श्रेष्ठ रूप है। योगी लोग दिव्य दृष्टि से भगवान के उस रूप का दर्शन करते हैं। भगवान का वह रूप हजारों पैर, जांघे, भुजाएं और मुखों के कारण अत्यंत विलक्षण है। उसमें सहस्त्रों सिर, हजारों कान, हजारों आंखें और हजारों नासिकाएं हैं। हजारों मुकुट, वस्त्र और कुंडल आदि आभूषणों से वह उल्लासित रहता है। भगवान का यही पुरुष रूप जिसे नारायण कहते हैं, अनेक अवतारों का अक्षय कोष है। इसी से सारे अवतार प्रकट होते हैं। इस रूप के छोटे से छोटे अंश से देवता, पशु पक्षी और मनुष्य आदि योनियों की सृष्टि होती है। उन्हें प्रभु ने पहले कौमार सर्ग में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन 4 ब्राह्मणों के रूप में अवतार ग्रहण करके अत्यंत कठिन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। दूसरी बार इस संसार के कल्याण के लिए समस्त यज्ञों के स्वामी उन भगवान ने ही रसातल में गई हुई पृथ्वी को निकाल लाने के विचार से सुकर रूप ग्रहण किया। ऋषियों की सृष्टि में उन्होंने देवर्षि नारद के रूप में 3रा अवतार ग्रहण किया और सात्वत तंत्र का, जिसे नारद पांच रात्र कहते हैं, उपदेश किया। उसमें कर्मों के द्वारा किस प्रकार कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है, इसका वर्णन है। धर्म पत्नी मूर्ति के गर्भ से उन्होंने नर नारायण के रूप में 4था अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने ऋषि बनकर मन और इंद्रियों का सर्वथा संयम करके बड़ी कठिन तपस्या की। 5वें अवतार में वे सिद्धों के स्वामी कपिल के रूप में प्रकट हुए और तत्वों का निर्णय करने वाले सांख्य शास्त्र का, जो समय के फेर से लुप्त हो गया था, आसुरी नामक ब्राह्मण को उपदेश किया। अनुसुईया के वर मांगने पर 6ठे अवतार में वे अत्रि की संतान दत्तात्रेय हुए। इस अवतार में उन्होंने अलर्क और एवं प्रहलाद आदि को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया। 7वीं बार रुचि प्रजापति की आकुति नामक पत्नी से यज्ञ के रूप में उन्होंने अवतार ग्रहण किया और अपने पुत्र याम आदि देवताओं के साथ स्वयंभू मन्वंतर की रक्षा की। राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में भगवान ने 8वां अवतार ग्रहण किया। इस रूप में उन्होंने परम हंसों का वह मार्ग, जो सभी आश्रमियों के लिए वंदनीय है, दिखाया। ऋषियों की प्रार्थना से 9वीं बार वे राजा पृथु के रूप में अवतीर्ण हुए। सौनकादि ऋषियों, इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी से समस्त औषधियों का दोहन किया था। इससे यह अवतार सबके लिए बड़ा ही कल्याणकारी हुआ। चाक्षुष मन्वंतर के अंत में जब सारी त्रिलोकी समुद्र में डूब रही थी, तब उन्होंने मत्स्य के रूप में 10वां अवतार ग्रहण किया और पृथ्वी रूपी नौका पर बैठाकर अगले मन्वंतर के अधिपति वैश्वस्त मनु की रक्षा की। जिस समय देवता और दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे, उस समय 11वां अवतार धारण करके कच्छप रूप से भगवान ने मंद्राचल को अपनी पीठ पर धारण किया। 12वीं बार धन्वंतरी के रूप में अमृत लेकर समुद्र के से प्रकट हुए और 13वीं बार मोहनी रूप धारण करके दैत्यों को मोहित करते हुए देवताओं को अमृत पिलाया। 14वें अवतार में उन्होंने नरसिंह रूप धारण किया और अत्यंत बलवान दैत्य राज हिरण्यकश्यपु की छाती अपने नखों से अनायास इस प्रकार फाड़ डाली, जैसे चटाई बनाने वाला सीक को चीर डालता है। 15वीं बार वामन का रूप धारण करके भगवान दैत्य राज बलि के यज्ञ में गए। वे चाहते तो थे त्रिलोकी का राज्य,
परंतु मांगी उन्होंने केवल 3 पग पृथ्वी। 16वें परशुराम अवतार में जब उन्होंने देखा कि राजा लोग ब्राह्मणों के द्रोही हो गए हैं, तब क्रोधित होकर उन्होंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से शून्य कर दिया। इसके बाद 17वें अवतार में सत्यवती के गर्भ से पराशर जी के द्वारा वे व्यास के रूप में अवतीर्ण हुए। उस समय लोगों की समझ और धारणा शक्ति कम देखकर आपने वेद रूप वृक्ष की कई शाखाएं बना दी। 18वीं बार देवताओं का कार्य संपन्न करने की इच्छा से उन्होंने राजा के रूप में राम अवतार ग्रहण किया और सेतु बंधन, रावण वध आदि वीरतापूर्ण बहुत सी लीलाएं की। 19वें और 20वें अवतारों में उन्होंने यदुवंश में बलराम और श्री कृष्ण के नाम से बलराम और श्री कृष्ण के नाम से प्रकट होकर पृथ्वी का भार उतारा। उसके बाद कलयुग आ जाने पर मगध देश बिहार में देवताओं के द्वेषी दैत्यों को मोहित करने के लिए अजन के पुत्र रूप में आपका बुद्ध अवतार होगा। इसके भी बहुत पीछे जब कलयुग का अंत समीप होगा और राजा लोग प्रायः लुटेरे हो जाएंगे, तब जगत के रक्षक भगवान विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर कल्कि रूप में अवतीर्ण होंगे। शौनक आदि ऋषियों जैसे अगाध सरोवर से हजारों छोटे छोटे नाले निकलते हैं, वैसे ही सत्व निधि भगवान श्री हरि के असंख्य अवतार हुआ करते हैं। ऋषि मनु देवता प्रजापति मनुपुत्र और जितने भी महान शक्तिशाली हैं, वे सब के सब भगवान के ही अंश हैं। सब अवतार तो भगवान के अंश अवतार अथवा कला अवतार हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान अवतारी ही हैं। जब लोग दैत्यों के अत्याचार से व्याकुल हो उठते हैं, तब युग युग में अनेक रूप धारण करके भगवान उनकी रक्षा करते हैं। भगवान के दिव्य जन्मों की यह कथा अत्यंत गोपनीय रहस्यमय है। जो मनुष्य एकाग्र चित्त से नियम पूर्वक सायंकाल और प्रातःकाल प्रेम से इसका पाठ करता है, वह सब दुखों से छूट जाता है। प्राकृत स्वरूप रहित चिन्मय भगवान का जो या स्थूल जगदाकार रूप है, यह उनकी माया के महत्व आदि गुणों से भगवान में ही कल्पित है। जैसे बादल वायु के आश्रय रहते हैं और धूसर पना धूल में होता है, परंतु अल्पबुद्धि मनुष्य बादलों का आकाश में और धूसर पने का वायु में आरोप करते हैं, वैसे ही अव्यक्ति पुरुष सब के साक्षी आत्मा में स्थूल दृश्य रूप जगत का आरोप करते हैं। इस स्थूल रूप से परे भगवान का एक सूक्ष्म अव्यक्त रूप है, जो ना तो स्थूल की तरह आकार आदि गुणों वाला है और ना देखने सुनने में ही आ सकता है। वही सूक्ष्म शरीर है। आत्मा का आरोप या प्रवेश होने से यही जीव कहलाता है और इसी का बार बार जन्म होता है। उपर्युक्त सूक्ष्म और स्थूल शरीर अविद्या से ही आत्मा में आरोपित है। जिस अवस्था में आत्मस्वरूप के ज्ञान से यह आरोप दूर हो जाता है, उसी समय ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। तत्वज्ञानी लोग जानते हैं कि जिस समय यह बुद्धि रूपा परमेश्वर की माया निवृत्त हो जाती है, उस समय जीव परमानंदमय हो जाता है और अपनी स्वरूप महिमा में प्रतिष्ठित होता है। वास्तव में जिनके जन्म नहीं है और कर्म भी नहीं है, उन हृदयेश्वर भगवान के अप्राकृत जन्म और कर्मों का तत्वज्ञानी लोग इसी प्रकार वर्णन करते हैं, क्योंकि उनके जन्म और कर्म वेदों के अत्यंत गोपनीय रहस्य है। भगवान की लीला अमोघ है,